हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू बेस्ड के ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपके आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले के सारे वर्कशीट्स के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग का क्वेश्चन है, मोहित वेंट टू अ शॉप एंड बाउट अ शर्ट ऑफ ₹1,680 इंक्लूडिंग 12% GST। द शॉपकीपर डिड नॉट गिव रिसिप्ट टू हिम। मोहित एक लड़का है जो एक शॉप में जाता है शर्ट खरीदने के लिए, और शर्ट खरीद के लाता है कितने का, 1,680 रुपीज़ का, और 1,680 रुपीज़ में 12% GST भी इंक्लूडेड है, लेकिन शॉपकीपर उसको रिसिप्ट नहीं देता है। तो अब जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको बताना है। ए नंबर में फाइंड द अमाउंट ऑफ GST नॉट पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अगर रिसिप्ट नहीं दे रहा है तो GST भी गवर्नमेंट को, जो GST होता है, जो टैक्स होता है, वो पे नहीं करेगा। तो कितना पे नहीं करता है वो बताना है। तो मान लिया हम लोग की कॉस्ट ऑफ शर्ट जो बिना GST का था वो ₹X था। तो एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹1,680। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक्स क्या है हम लोगों का, GST से पहले कॉस्ट, और उसमें 12% GST लग जा रहा है। तो टोटल अमाउंट अभी जो फिलहाल उसको शर्ट का लगा वो है ₹1,680। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स प्लस 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,680 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x बाय 1 प्लस 12 एक्स बाय 100 हो रहा है इज इक्वल टू 1,680 लिख देते हैं। रुपीज साइन हम लोग बाद में पुट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 1,680। फर्दर ये क्या हो जाएगा, 112x/100 इज इक्वल टू 1,680। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 112/100 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 1,680 इंटू 100/112 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, ये दोनों कैंसिल होगा 2 के टेबल से। ये 56 टाइम में 112 और 150 टाइम्स में कैंसिल होगा। फिर से ये दोनों 7 से डिविजिबल है, 7 8 56 और 7 2 14 एंड 7 4 28 240 टाइम में। 8 से भी डिविजिबल है, 8 से 30 टाइम्स में, यानी कि x का वैल्यू निकल के आ गया हम लोग का 30 × 50, दैट इज 3 5 15, उस पर 2 ज़ीरोस। यानी कि ये x जो वैल्यू निकल के आया है वो क्या है, x जो वैल्यू निकल के आया है वो जब GST नहीं लगा होगा शर्ट के ऊपर तो उसका कॉस्ट क्या होगा, यानी कि इतना ही कॉस्ट वो रखा है और बाकी जो बच गया वो गवर्नमेंट को नहीं पे किया है। तो जो पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा, अमाउंट नॉट पेड, अमाउंट ऑफ GST आपको फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ शर्ट विद GST माइनस कॉस्ट ऑफ शर्ट विदाउट GST, GST के साथ और GST के बिना जो शर्ट का कॉस्ट होगा दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, 1,680 रुपीज़ में 1,500 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, आंसर आ जाएगा 180 रुपीज़। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोला जा रहा है, इज टैक्स इवेशन करेक्ट। टैक्स इवेशन का मतलब होता है कर चोरी, टैक्स का चोरी करना। क्या टैक्स का चोरी करना सही है, तो टैक्स का चोरी करेंगे तो गवर्नमेंट को वो मिलेगा नहीं, तो वो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा नो। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है, विल यू टॉलरेट इट। आप एक सिटीजन होके, किसी कंट्री का सिटीजन होके उसका डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर होगा नो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी इज, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू पे टैक्स। टैक्स पे करना क्यों जरूरी है,
क्योंकि टैक्स अगर हम लोग पे करते हैं तो वो पैसा जो है कंट्री के डेवलपमेंट में लगता है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।